धान की खेती करने वाले किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या जो रहती है वो रहती है खरपतवार की। तो खरपतवार के कारण जो हमारा धान का पौधा होता है वो ठीक से विकास नहीं कर पाता है। और धान की खेती में किसान भाइयों, एक बार खरपतवार होने के बाद उस पर नियंत्रण करना काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि जो दवाइयाँ मार्केट में हैं उसमें से कुछ दवाइयाँ चुनिंदा दवाई होती हैं, जिससे दवाइयाँ डालने के बाद भी खरपतवार रह जाते हैं, जो समस्या बनकर अंतिम समय तक हमारे धान की फसल में देखी जाती है, क्योंकि खरपतवार पर हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो हमारे धान की फसल में सबसे अच्छा ये होगा कि हम अपने धान की फसल में खरपतवार को होने ही ना दें। तो किसान भाइयों, खरपतवार के नियंत्रण के लिए बाजार में अनेक दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग करने के बाद खरपतवार पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो टॉप 3 धान खरपतवार नाशक दवाइयाँ कौन सी हैं जिनका प्रयोग कर आप आसानी से अपने धान की फसल की खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। तो जिनका प्रयोग हम धान की रोपाई के 72 घंटे बाद कर देने से ही खरपतवार का जवाब बिल्कुल नहीं होगा। तो किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक देखते रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि आपको कैसे अपनी फसल में ये जो दवाइयां हैं इनका प्रयोग कैसे करना है, और आपको पूरी विधि पता चलेगी तो आप अपने धान के खरपतवारों को आसानी से नष्ट कर देते हैं। भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं धाड़ा कंपनी के ब्लेड हार्बिसाइड की, जिसमें प्रेटिलाक्लोर 50% इसी रसायन है। आपको जो इसकी मात्रा लेनी है वो 500 ml प्रति एकड़ में लेनी है। किसान भाइयों, ध्यान रहे, रोपाई के 72 घंटे बाद आपको पानी से भरे खेत में ही इसका प्रयोग करना है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको कहीं कहीं दवाई गिरा देनी है। तो आप जब थोड़ी थोड़ी मात्रा में दवाई गिरा देंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि पूरे खेत में दवाई आपकी फैल चुकी है। तो आपको क्या करना है, दवाई डालने के बाद आपको अपने जो खेत है आपका, तो 2 इंच तक उस खेत में पानी बनाए रखना है। तो आप देखेंगे कि उसमें फिर काई की एक परत जम जाएगी आपके खेत में, जो खरपतवार का जमाव आगामी समय में नहीं होने देगी। इस दवाई का प्रयोग आप बालू में मिलाकर या स्प्रे मशीन द्वारा कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरे नंबर पे बात करते हैं नुगुर्जना कंपनी की, ये इरेज आती है जिसमें जो रासायनिक है वो है प्रेटाक्लोर 50% EC, जो अभी हमने बताया आपको ब्लेड हार्बिसाइड में, तो ये सेम रहेगा इसका रासायनिक। तो आपको इसकी भी मात्रा 500 ml की प्रति एकड़ में लेनी है। रोपाई के 72 घंटे बाद आपका इसका प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, जैसे कि हम ब्लेड का प्रयोग कर रहे थे उसी तरह इसी का इस्तेमाल करना है। और तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं बायर कंपनी की टॉप स्टार, आपको इसका 45 ग्राम प्रति एकड़ में 2 लीटर पानी में धान की रोपाई करने के बाद 72 घंटे में ब्लेड एवं इरेज की दवाई की तरह आपको स्प्रे प्रयोग करना है। भाइयों, मैं आशा करता हूं कि अगर आप ब्लेड या इरेज या आप बायर कंपनी की जो टॉप स्टार हैं, अगर आप धान की खरपतवार को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इनका प्रयोग करके बहुत ही अच्छे से अपने धान की खरपतवार को कम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों।